नमस्कार और मैनेस इन द मॉन्क पे आपका स्वागत है। आज 31st है, दैट मीन्स आज ट्रांसफर डेडलाइन डे है, 31 जनवरी। निधि, ट्रांसफर डेडलाइन डे मैनेस इन द मॉन्क पे तो ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होता, लिवरपूल सपोर्टर्स के लिए भी इस बार ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है। कैसे लग रहा है? कुछ लाइव स्ट्रीम तो करने नहीं वाले हम लोग, कुछ वीडियो तो निकलने वाला हमारे नए साइनिंग का? लाइव स्ट्रीम तो नहीं करेंगे यार। देख, ट्रांसफर डेडलाइन डे फॉर लिवरपूल फैंस इज लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में वैलेंटाइन्स डे। मतलब बातें बहुत सारी होंगी, ख्वाब बहुत सारे देखे जाएंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। ठीक है, सो दैट्स द रियलिटी। यार मतलब आई जेन्युइनली हैड होप्ड। मतलब मैं अभी तो इस इट्स लाइक सर्विंग अ मीट बर्गर टू अ वीगन, कुछ यस फायदा नहीं है। कुछ लाइक रख दो सामने, फोटो ले सकते हो, लेकिन कुछ कोई फायदा नहीं है, ना मीट बर्गर को ना तुमको। भाई, आई वाज रियली होपिंग कि वी पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। लास्ट का एक हफ्ता मेरे को लगा था, जब वो केलेयर को बेचने की बात हुई थी, नैट फिलिप्स को बेचने की बात हुई थी, मेरे को लगा था एक लोन तो कम से कम हम ले आएंगे। बट आई आई रियली हैव मतलब आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। लिवरपूल के ट्रांसफर विंडो और उसके बारे में एंड में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स दैट हैव हैपेंड और आर गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। कैंसेलो टू बायर्न म्यूनिख हो गया निधि, आउट ऑफ द ब्लू कल शाम को ये सब न्यूज निकला। एंड देन इट्स अपेरेंटली अ डन डील लोन विद लोन तो है ही पक्का, और फिर हाँ हमें और आगे पता चलेगा कि वेदर दे कैन बाय और नॉट। बट प्रॉपर बस्टअप हुआ है निधि, ये तो बस्टअप ही हुआ है बिटवीन पेपर। देख, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि कैंसेलो का परफॉर्मेंस हैड ड्रॉप्ड अ लिटिल बिट, बट आई डोंट थिंक कि इतना ड्रॉप हो गया था कि उसको इतना लास्ट के 2 दिन में आप बेच के निकाल दो। क्लियर है, बस्टअप हुआ है, पेप से जमी नहीं, एंड देन यू नो बायन वर इंटरेस्टेड, एंड देन फूफ इज गॉन। अभी तक ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, बट आई थिंक ऑफिशियल हो जाएगा। एंड बेसिकली क्या है कि पेप एक परफॉर्मेंस, जैसे तूने बोला, उसके नहीं थे ये लेवल पे, जैसे ट्रेंट का लेवल ये सीजन गिरा है, वैसा भी कैंसेलो का बहुत गिरा है। बट लास्ट सीजन के एंड तक कैंसेलो तो मेन स्टे था ना मैनचेस्टर सिटी का, सो वन ऑफ द समथिंग फर्स्ट हैज टू नेम्स ऑफ गो द रॉन्ग। या या सो मैंने एक चीज सुना कि अपेरेंटली आर्सेनल के अगेंस्ट ही वाज नॉट पिक्ड एंड वो यस भड़क गया एंड देन उससे बोला कि मैं चले जाऊंगा, और पेप ने बोला चले जा। लाइक ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ थर्टीन हुआ। में एंड देन पेप हैज बीन रूथलेस एंड कैंसेलो हैज गॉट हिज मूव टू अ बिग क्लब एज वेल। और इस सब में ना बायर्न म्यूनिख के लिए बहुत सही है, बिकॉज बायर्न म्यूनिख स्ट्रगल कर रहा है। लास्ट 3 मैचेस में बायर्न हैव ड्रॉन 1-1 3 टाइम्स। बायर्न का हर्नांडेस बाहर है, नॉयर बाहर है, साडियो माने अभी भी बाहर है, सो दे नीड अ कैरेक्टर इन द टीम। दे एंड यू नो ऑब्वियसली फुल बैक्स पे ही कैन स्लॉट इन, और मिडफील्ड में भी किधर भी कैंसेलो खेल सकता है बायर्न म्यूनिख के लिए। आई एम नॉट सेइंग ही विल, बट वो एक ऑप्शन ऐड कर देता है। सो बायर्न म्यूनिख के लिए तो चांदी हो गई भाई, मतलब बायर्न म्यूनिख कांट बिलीव द लक कि लोन पे कैंसेलो मिल गया। 28 ईयर्स ओल्ड निधि, ऐसा नहीं कि लाइक ही इज अ डन प्लेयर। नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल अ डन प्लेयर। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अबिलिटी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, थोड़ा फॉर्म खराब है, बट कैंसेलो यार बहुत सही प्लेयर है। जैसे तूने बोला, लास्ट सीजन तक तो वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स ऑन द टीम शीट होता था यार। डिब्रॉयने, कैंसेलो, ये सब तो देर वर द फर्स्ट नेम्स ऑन द शीट। और बुंदेसलीगा की भी बात करें, बुंदेसलीगा जबरदस्त है यार। मतलब 37 पे बायर्न है, यूनियन बर्लिन 36 पे है, लाइप्ज़िग 35 पे, और डॉर्टमुंड 34 पे, फ्राइबर्ग भी 34 पे है। तो बहुत ही मतलब और आइंट्रैक्ट खतरनाक। फ्रैंकफर्ट 32, आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट 32। हाँ, फ्रैंकफर्ट 32, तो हाँ मतलब पूरा टॉप 6 इज लाइक कंप्लीटली क्लोज टू ईच अदर। हाँ या यार, या तो बायर्न ने डेली ब्लिंड साइन किया है, ये ले लिया, यान सॉमर को लेके आए हैं वो लोग, और दे आर डूइंग वेरी वेल यार। बायर्न विल डेफिनेटली, उससे बहुत फायदा होगा, और चैंपियंस लीग में भी फायदा होगा, पीएसजी के साथ मैच है। सो दिस इज अ स्मार्ट स्मार्ट मूव बाय बायर्न म्यूनिख। तेरा भाई प्रेजेंट कर रहा है वो मैच पीएसजी बायर्न म्यूनिख बाय द वे। बट लेट्स मूव ऑन टू अनदर टीम जो चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में है, जिन्होंने अपेरेंटली अग्री कर लिया अनदर टीम इन द राउंड ऑफ 16 को एक प्लेयर बेचना, विच हैज बीन द स्टोरी सिंस द वर्ल्ड कप, एंजो फर्नांडिस टू चेल्सी। वाह, अभी हाँ एक
एक चीज सुनने में आई है लिवरपूल एस्पेक्ट की, एंजो थोड़ा सरप्राइज था कि लिवरपूल ने बिड नहीं किया, बिकॉज अपेरेंटली हम लोग इंटरेस्टेड थे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर 120 मिलियन इन्वॉल्व है जनवरी में, हम नहीं डालने वाले थे बिड। बट निधि, अपेरेंटली चेल्सी ने टर्म्स एग्री कर लिए, अपेरेंटली बेनफिका आर ऑल्सो नाउ ऑन बोर्ड विद दिस। अगर ये हो जाए निधि, एंजो टू चेल्सी, भाई टॉड बोली ने तो मतलब क्या बात कर दी यार, मतलब जो भी चाहिए उसे सब ऑन द फील्ड ऑलमोस्ट सब एड्रेस कर दिया यार, राइट अरे बैक, अटैकर्स, मिडफील्डर भी कर दिया, तो शिट ब्रो। कल मैं बाबा के स्ट्रीम पे था और हम लोग यही बात कर रहे थे। बाबा ऑब्वियसली वाज बीइंग अ लिटिल कॉशियस व्हेन इट केम टू प्रेडिक्टिंग दिस ट्रांसफर, अंडरस्टैंडेबली सो। एंड मैंने यही बोला था कि बाबा देख लेना, जब इतने दिन से बात चल रही है ना, एंड द फैक्ट दैट बेनफिका आर स्टिल टॉकिंग, विच मीन्स देयर इज इंटरेस्ट, वो बेचना चाहते हैं बस अपने टर्म्स पे। और आई थिंक आज शाम तक, रात तक, जब भी हो, क्योंकि अभी तो उधर सुबह होगी, शाम तक रात तक ये हो जाएगा। दिस विल हैपन। एंजो फर्नांडिस विल बी अ चेल्सी प्लेयर। उन वरेला, उन्होंने एक आइडेंट उसका जो रिप्लेसमेंट है वो भी आइडेंटिफाई करके रखा है बेनफिका ने। सो दिस इज एज गुड एज डन ब्रो। दिस इज ब्रिलियंट बाई चेल्सी के बारे में। देख मैं यही बोलूंगा, देख एफएफपी वगैरह उसके बारे में तो लोग बहुत बात कर रहे हैं, दे आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन दे आर इन। वो लोग ने अपने आप को इस पोजिशन में डाला है कि वो इस एक पर्टिकुलर चीज का एडवांटेज ले सकें। जब अब्रामोविच छोड़ के गया तो उसने पूरा क्लब का डेट वाइप ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद एफएफपी जो होता है वो एमोर्टाइज होता है, वो सब बातें तो हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, उन्होंने अपने दो तीन विंडोज की शॉपिंग एक ही में कर ली है, ऐसा ऐसा मेरे को फीलिंग आ रहा है। बिकॉज राइट नाउ दे आर इन द चैंपियंस लीग, एंड ऑब्वियसली यार द चेल्सी इज अ ह्यूज क्लब, एंड अगर जो चैंपियंस लीग में नहीं भी होते तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं प्लेयर्स। ऑफकोर्स थोड़ी आई दिक्कत थिंक होती है, ऑफकोर्स थोड़ी दिक्कत हाँ, होती है, लेकिन देख क्या। बट ले ही लिया ना, ले ही लिया ना जो प्लेयर्स लेना था, हाँ ऑलरेडी एग्जैक्टली आ गए। वो, हाँ उन्होंने अभी ही बहुत सारा क्लोज कर लिया अपना बिजनेस। हाँ, एंड ऑल्सो आई वोंट बी सरप्राइज लास्ट डे पे चेल्सी पे थोड़े डिपार्चर्स हो, जैसे कैलेगर इज बीन पॉसिबली लिंक्ड टू एवर्टन, देन लॉफ्टिस चीक का नाम आया, देन हाकिम जीएश का नाम आया, सो कोई कोई प्लेयर्स बाहर जा भी सकते हैं। एक एक बहुत ही अजीब रूमर आया है कि हम लोग नेक्स्ट समर में एंगोलो कॉन्टे को फ्री में साइन करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो लगता है वो नया डील साइन करेगा चेल्सी के साथ, एंड सेकंड ऑफ ऑल वो जितना इंजरी प्रोन है अभी, आई आई डोंट नो विल इट एक्चुअली मेक सेंस कंसिडरिंग हिज इंजरीज, नॉट बिकॉज आई डोंट रेट एंगोलो कॉन्टे एज अ प्लेयर, बिकॉज 2 साल पहले तक एंगोलो कॉन्टे निधि वॉज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। या मैं वही बोलने वाला था, 2020 होता ना तो दिस ट्रांसफर वुड हैव एक्साइटेड मी अ लॉट, बट राइट नाउ एनगोलो कॉन्टे एज ग्रेट एज ही हैज बीन फॉर चेल्सी, उसके आई थिंक चेल्सी में भी उससे मूव ऑन करने की बात चल रही है। इनफैक्ट अगर आप ट्रांसफर मूवमेंट वगैरह देखोगे तो यार आई एनगोलो कॉन्टे ग्रेट प्लेयर, बट आई थिंक ही इज पास्ट हिज वे पास्ट हिज प्राइम। या सो ये काफी बड़े ट्रांसफर डीलिंग्स हुई हैं, थोड़ा लिवरपूल के बारे में भी, या लैक ऑफ स्पेंडिंग इन दिस विंडो के बारे में भी बात कर सकते हैं अगर करना है निधि। आई फील लेट डाउन, या 100%। आई फील एज अ फैन लेट डाउन कि आपका क्लब है, श्योर आप बेचना चाहते हो अभी इन द नियर फ्यूचर, बट आपका ही क्लब है एंड आपको दिख रहा है कि वी आर आउट ऑफ द कप्स, वी आर 9th इन द लीग, समथिंग इज नॉट राइट, वॉट नीड्स टू चेंज, वी नीड, मैं और तू और मैं इतना हम लोग वी आर नॉट दैट यू नो लाइक ट्रांसफर 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 वैसे वाले लोग नहीं है, बट अभी दिख रहा है कि द ओनली वे इमिजिएटली कि हम ये सुधार सकते हैं, बिकॉज हमने सब कुछ ट्राई किया ना, अपने हेंडो ट्राई किए, केटा ट्राई किए, फेबिनो ट्राई किया, मिलना ट्राई किए, बाइचेटिच को ट्राई किया, कोर्टिस, लाइक द फैक्ट इज हमने ट्राई किया, ऑक्स नहीं हुआ है, वी प्लेड अ 4-4-2, वी प्लेड अ 4-2-3-1, प्लेड अ 4-3-3, शायद से हमने इनफ नहीं किया है ये एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉर्मेशंस एंड प्रोसेस, बट किया है बट नहीं हुआ है, इंजरीज है आगे, विल इट गेट बेटर, हाँ इट विल गेट बेटर, बट मार्च तक अभी आपने इंजेक्ट नहीं किया कैश, अब वो प्लेयर या प्लेयर्स, चेल्सी को देखो तो हम दो तो खरीद ही सकते थे ना जान में, चेल्सी ने तो इतना कुछ कर दिया।
आई फील एफएसजी इज लेट अस डाउन लॉन्ग. लाइक अगर आप सीजन के स्टार्ट से देखो, यस क्लॉप गॉट अ फ्यू थिंग्स रॉन्ग जिसकी वजह से हम ये सिचुएशन में हैं. एंड आई जस्ट फील वेरी डिसहार्टेंड लुकिंग एट एज अ फैन, लुकिंग एट वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर, लुकिंग एट चेल्सी डूइंग वॉट दे आर. एंड एंड क्रेडिट टू देम, वो अपने क्लब के लिए तो सही है, वो कर रहे हैं. अभी अपेरेंटली मैंने एक और रूमर ये सुना है कि एरिक्सन बाहर हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो दे आर ट्राइंग फॉर टेलिमेंस लास्ट डे मैनचेस्टर यूनाइटेड. ओके मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वेगहोस्ट टू एड्रेस किया ही है एज अ स्ट्राइकर, श्योर लोन पिक, बट टीम्स आर डूइंग दैट. हमने कुछ नहीं किया, हमने गैपको किया अंदी, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर अस गैपको हैज नॉट वर्कड आउट सो फार, यू नो, व्हिच एड्स इंसल्ट टू इंजरी. आई एम श्योर कि ही विल वर्क आउट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बकवास प्लेयर है या सड़ गया या कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं है. सो फार तो स्लो है उसका स्टार्ट। देखिए तो यार जो जो बहुत लोग 37 ना, मिलियन स्पेंड किए हम शायद से मिडफील्ड में कर सकते थे. आइडियली अगर करना था तो मिडफील्ड में करना था, बट हमने अटैक में किया. हियर्स अ थिंग विद दैट थिंग दो, मतलब ऑनेस्टली आई अग्री और मैं आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दैट स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम कि आप मिडफील्डर के ऊपर स्पेंड कर सकते थे। प्रॉब्लम ये है ना, यू लुक एट एंजो फर्नांडिस, यू लुक एट काइसेडो, यू लुक एट जितने भी प्लेयर्स हैं जो अभी मिडफील्डर्स हैं जो डिमांड में हैं, भाई वो सप्लाई डिमांड इतना फेवर में है ना सेलिंग क्लब्स का, आपको डिसेंट मिडफील्डर के लिए 70-80 मिलियन तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। आई कैन मेक अ केस फॉर द अटैकर्स ऑल्सो। बात यह है कि वाई आर वी इन दिस पोजिशन कि आपको स्पेंड भी 37 मिलियन ही करना है, नैट फिलिप्स को बेच के उसको रिकूप भी कर लेना है, और आप भी आप फिर बोल रहे हो कि नहीं, देन 37 मिलियन का 37 मिडफील्डर में यू डोंट, इस मार्केट में देर आर नो डिसेंट मिडफील्डर्स। अगेन व्हाई शुड वी हैव टू चूज यार, हमको, मैं फॉरवर्ड के लिए आई कैन मेक अ केस, अगर हम कोडी गैक्पो को नहीं लेके आते तो लेफ्ट में मार्च तक हम किसको खिलाते, ऑक्सलेट को खिलाते क्या, या फिर हार्वी एलेट को हम लेफ्ट में खिला रहे होते? नहीं, वही ना, अभी भी होके वही हो रहा है ना. हार्वी खेल रहे हैं, ऑक्स खेल रहे हैं, गैपको खेल रहे हैं, गैपको इफेक्टिव नहीं है. अभी 2 हफ्ते में तो आ ही जाएंगे ना जोटा फर्मिनियो. होपफुली यार, मतलब मैं अभी एट दिस पॉइंट तो मैं आई एम टच, दिस इज लाइक अ टचवुड सिचुएशन, क्योंकि भाई मैं क्या बोलूं वहां पे, आप जब ये सीजन, जब अभी जब ये सीजन बोल रहा, सॉरी, वर्ल्ड कप जब ये हुआ था, वर्ल्ड कप के ब्रेक के बाद रेज्यूम किया था, लुइस डियाज वाज सपोज्ड टू कम बैक। आई एम होपिंग एंड प्रेइंग एटलीस्ट जोटा कम्स बैक यार, अभी दिमाग, मतलब अपना इंजरी रिकॉर्ड हैज बीन माशाल्लाह ना, सो मेनी पीपल हैव मिस्ड द पॉइंट कि इवन नूनेस हैड अ माइनर नॉक, इसलिए वो स्टार्ट नहीं किया अगेंस्ट ब्राइटन। ये इधर डॉन हचिसन ने एक डाला है कि आप कैसेडो एंजो सबकी बात कर रहे हो, हियर सम अल्टरनेटिव्स पीपल कुड हैव गॉन फॉर बिलो 50 मिलियन अकॉर्डिंग टू हिम. हाइडारा फ्रॉम लाइपसिक, टोनाली फ्रॉम मिलान, सैंडबर्ग फ्रॉम शेफील्ड, शेफील्ड, लबोटका, एंग्विसिया, मिलिंकोविच सैविच, बरेला, आई डोंट थिंक बरेला कैन कम इन दिस 50 मिलियन का ब्रैकेट, ज़ेलिंस्की कैन कम, लाविया फ्रॉम साउथहैम्पटन ही इज मेंशन्ड, हाँ लाविया, एंड मतायस नूनेस फ्रॉम वुल्व्स. वुल्व्स तो चल अभी वो डील हो, मतायस नूनेस ये कांट, आई ट्रांसफर नो विंडो कांट कैनॉट कांट हाँ, बट देर वर नेम्स. अगेन इट इज इट फील्स लाइक इट इज ऑल और नथिंग फॉर जूड बेलिंगम. वी आर वेरी डेस्परेट फॉर, लाइक बेलिंग, ऐसा लग रहा है कि अब वही बात है ना निधि, चल ठीक है हम जूड बेलिंगम को कन्विंस कर देंगे, बट वो पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा कौन, पैसा? मेरे को नहीं. मैंने लिटरली ये कल ट्वीट किया ब्रो कि आई जो ओनरशिप सिचुएशन को देख के, चल जूड बेलिंगम बोल रहा है मैं आना चाहता हूं, हमने कन्विंस कर लिया, सब हो गया, डॉटमेंट के साथ फी भी अग्री हो गया, वो जो अमाउंट है 120 150 जो भी अमाउंट है, वो कौन सैंक्शन कर रहा है, हु इज सैंक्शनिंग दोज फंड्स? That I would, मेरे को अगर कोई बोल रहा है कि ये FHG का पार्टिंग गिफ्ट है फॉर लिवरपूल, आई जस्ट थिंक इट इज टू गुड टू बी ट्रू. नॉट बिकॉज हम जो सिचुएशन में है, सिचुएशन में तो टू लेट टू बी ट्रू या टू लेट टू बी इफेक्टिव भी हो सकता है. बिकॉज अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल या 7th 8th 9th मतलब फिनिश करें, या कॉन्फ्रेंस लीग वर्स्ट कॉन्फ्रेंस लीग के पोजिशन में फिनिश करें, तो इट विल बी टू लेट टू बी इवन इफेक्टिव. तो
सो व्हाई आर वी वेटिंग दैट लॉन्ग? अगर ओनरशिप, द ओनरशिप का तो मेरे को बहुत स्ट्रेस है. द क्लब एट द मोमेंट इज इन अ लाइक सब कुछ गलत चल रहा है ऊपर से नीचे, फील्ड से लेके, क्लॉप से लेके, ओनर्स से लेके, योर रिक्रूटमेंट टीम से लेके, सब कुछ इज इन अ रिक्रूटमेंट मेस. टीम सो इस सब के बीच में अगर आप बोल रहे हो कि जूड बेलिंगम वॉन्ट्स टू ज्वाइन अस, ये मेस में हाँ मेरे को पता नहीं ए व्हाई विल यू डू इट एंड बी हाउ विल यू पुल इट ऑफ. बिकॉज अगर तू प्रोजेक्ट देख रहा है बिहाइंड द सीन्स, दिस टू कंपेयर इट टू सिटी और कंपेयर इट टू रियल मैड्रिड, वी आर अ मेस. एब्सोल्यूट मैस यार, तू रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, रिक्रूटमेंट में मैस भी, रिक्रूटमेंट टीम तो है ही नहीं भाई। कौन सी रिक्रूटमेंट टीम? जूलियन वार्ड जा रहा जूलियन है। वार्ड है, हाँ, बट फिलहाल वो हाँ अभी अभी एक्टिंग, अब मेरे को ये भी नहीं पता ना कि नाउ टिल समर जूलियन वार्ड का काम क्या है. हाँ एग्जैक्टली बिकॉज अब इफ ही लीव्स एट द एंड ऑफ द सीजन, सो वो अभी से लेकर समर तक क्या करेगा? वो पर्सनली अपना नया क्लब ढूंढेगा या अपने को नए प्लेयर्स लाइनअप करके देगा? या अब मेरे को ये भी नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता. एंड ब्रो, क्लॉप भी हैज मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स आई थिंक समबडी, वो भी हम लोग ने तो पहले भी पॉइंट आउट किया है, मगर बोलना पड़ेगा क्लॉप भी बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहा है। आई स्टिल थिंक दैट यू नो ही इज एब्सोल्युटली द राइट मैन टू लीड अस, बट बेटर ही, द सूनर ही रियलाइजेज द बेटर इट इज, कि उससे भी बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। हुआ है एंड जस्ट बिकॉज टूअर में क्लॉप इन है, नॉट टू सैक क्लॉप है, दैट डजंट मीन कि हम वी स्टे इन अ लाइक बबल, लूनी वर्ल्ड, कि हम या लोग बिलीव ही नहीं करें कि कुछ गलत किया है उसने. किया है बहुत गलत, गलत किया है। राइट फ्रॉम काफी चीजें है, राइट फ्रॉम आप उसे कभी कभी जो कोई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला है, कोई कोई स्टार्टिंग लाइनअप्स, कोई कोई सब्स्टिट्यूशंस, कोई कोई ट्रांसफर डीलिंग्स में ना बोलना, आई एम श्योर वो भी निकलेगा धीरे धीरे. कोई कोई डिसीजंस लाइक नॉट टू साइन अ मिडफील्डर, जैसे काफी चीजें हुई हैं. बट मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आप सब कुछ जो हम वी हैव अचीव्ड, डेल्ट विद, गॉन थ्रू ओवर द लास्ट 6 7 ईयर्स, आप ये 6 महीने में सब कुछ ना भूल जाओ. मैं ये दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम. मैं नहीं भूल सकता 2015 से 2022 जून तक हम जहां थे, जो हमने अचीव किया ये बंदे के अंदर. और अभी आप बोल रहे हो कि 5 महीने में ये और हुआ है, मैं खुद मान रहा हूं हुआ है, गलत हुआ है और किया है उससे गलती, उससे गलती की है. मैं वो सब नहीं भूल सकता लेकिन जो उससे 7 साल में किया है, एक सीजन मैं देने के लिए रेडी हूं और मैं उसको एक और अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी हूं कि वो चेंज करे. हाँ 100%। दिस इज माई स्टांसिस ऑन मेनेस इन द मॉन्क एंड आई थॉट आई शुड से इट कि बहुत गलती हुई है, बट उसे जो अचीव किया ही इज एक्सक्यूज दिस सीजन. बट अगर नेक्स्ट सीजन इफ ही डजंट गेट इट राइट, देन आई विल सोशल. देन यू नीड टू थिंक भाई। मैं तो देख, एक चीज तो मैं बोलता हूँ, लोग ना, पीपल आर यूजिंग अ लॉट ऑफ इट की सेंटिमेंटैलिटी। इवन इफ सेंटिमेंटैलिटी में हटा दूं, एंड बाय द वे यू हैव टू बी सेंटिमेंटल अबाउट योर फुटबॉल क्लब, यू आर अ फैन, ठीक है? आपने उसके शेयर नहीं खरीदे हैं कि आप देख रहे हो कि कंपनी में, मतलब शेयर ऊपर जाएगा तभी मैं वो, यू आर नॉट अ शेयर होल्डर, ठीक है? यू आर अ फैन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इवन इफ मैं ए आर्ग्यू फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं उससे ना सेंटिमेंटैलिटी हटा देता हूँ, क्लॉप से तो मिस्टेक्स हुई ही। मैंने तो ये कॉन्वर्सेशन ही मैंने शुरू किया, लेकिन कोर इशू इज नॉट क्लॉप हियर। द कोर इशू इज द पुअर रिक्रूटमेंट, विच क्लॉप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, बट द मेन रीजन इज दैट वी डोंट, मतलब हमारे ओनर्स अभी पैसा नहीं दे रहे हैं, और वो इट इज द कोर इशू हियर मेरे। एंड अगेन, इफ एनीबडी सेज कि नहीं द कोर इशू इज क्लॉप, इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, माई ओपिनियन इज दैट क्लॉप इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम हियर। यस, ही इज मेड देखा क्वेश्चनेबल डिसीजंस, बट लोग बोल रहे हैं कि मिलनर और हेंडरसन को खिलाता रहता है। किसको खिलाएगा? कर्टिस जोन्स इंजर्ड है, केटा इंजर्ड, केटा अभी फिट हुआ ना यार वर्ल्ड कप के बाद, उसके पहले वो भी अनफिट था। केटा इंजर्ड है ना, अभी केटा, फेबिनियो का फॉर्म ड्रॉप ऑफ हुआ है, मिलनर हेंडरसन किसको खिलाएगा? नहीं नहीं ला के दिया ना मिडफील्डर। देख देख वही बात है कि नहीं, ऐसे पोजीशन में नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें समर में मिडफील्डर साइन कर लेने चाहिए थे, एक या दो, वो मैं एग्री कर रहा हूं. बट ये और वो क्लॉप की गलती है.
आई थिंक उसकी और पेप की गलती है, पेप रेंडर्स की। बट जैन में अगर आई थिंक क्लॉप ने एक दो तो चीजें बोली थी विच विच सेड दैट मैं इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ एंड दिस दैट। आई थिंक फर्स्ट वीक में ही एड्रेस कर देना चाहिए था। तो हम लोग मोस्टली ब्राइटन से लीग में ऐसा नहीं होता, ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड ये सब रिजल्ट्स, चेल्सी ये सब गेम्स हम बेटर होते एंड सीजन सैल्वेजेबल होता। अगर हम लोग अर्ली जैन में एक मिडफील्डर खरीद लेते तो शायद से टॉप फोर के बारे में हम शायद से हम सोच रहे होते। अभी तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ बिकॉज जैसे हम नॉट बिकॉज वो डिस्टेंस मेरे को ज्यादा लग रही है, बट जैसे हम खेल रहे हैं मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा। देर इज नो आयोटा ऑफ कॉन्फिडेंस इन आर प्ले, नो आयोटा परफॉर्मेंस जो मैं फील्ड में देखता हूँ, जो मेरे को देख के मेरे को कॉन्फिडेंस आती है। हाँ यार कुछ कर, कुछ नहीं दिख रहा। सो यस वी हैव नॉट बीन बैक, यस क्लॉप हैज मेड मिस्टेक्स, बट इट इज वॉट इट इज। दिस इज द विंडो काफी लंबा, दिस इज द वीडियो काफी लंबा हो गया। हमने सोचा कि थोड़ा एंजो और कैंसिलो की बात करें, पर अल्टीमेटली खून तो बोल ही दिया डाल लिया हमारा। हाँ वही है। सो गाइस ये आप बताइए, कैंसिलो एंजो आपके हिसाब से बेटर साइनिंग कौन सा है, एंड लिवरपूल की हालत के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, आप कमेंट डालते रहिए और जो हम लोग तो रीड करते ही हैं। एंड यार वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टू मैनेज द मॉन्क। निधि एंड करना है। एब्सोल्युटली। तो गाइज लाइव स्ट्रीम के तो चांसेस कम है, बट आज डेडलाइन डे है, सो कीप योर आईज आउट फील्ड। दूसरों की पार्टियों के कार्ड देखिए अगर आप लिवरपूल फैन है तो। और हम आपसे फिर मिलेंगे यार, वीडियोस तो मैंने दिमाग पे बनते रहेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, एंजॉय एंड रिमेम्बर अप द रेड्स। चले।